बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान बसों में बैठकर जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। दूसरी तरफ आज सदन के बाहर जंतर मंतर पर किसानों की संसद चलेगी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की किसानों की मांग को दिल्ली पुलिस ने सशर्त मंजूरी दी है। किसानों को दी गई इजाजत के मुताबिक आज से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के 200 लोग ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके तहत डीडीएमए के दिशा निर्देश के तहत कोई जमावड़ा नहीं हो सकता, लेकिन किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव करते हुए ये इजाजत दे दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले किसान सिंघू बॉर्डर से बसों में आएंगे और सभी के पास पहचान पत्र भी होगा। ये पार्लियामेंट वहां से तो वहीं बैठेंगे, वहीं अपनी संसद लगाएंगे, वहीं बातचीत करेंगे। कितने लोग इसमें शामिल हैं? 200 लोग। कौन कौन सी स्टेट से है? नहीं, ये तो जत्थेबंदी से है, सभी जगह से है। इसमें तो हर रोज जाते रहेंगे, जिसके नाम आते रहेंगे, हर रोज जाएंगे कोई ना कोई। 200 किसान जा रहे हैं, सबको ये आईडी लगे हुए एंट्री कार्ड, एक आदमी कोई और नहीं जाएगा, ताकि कोई इसमें गड़बड़ ना करे, कोई इसको खराब ना करे। हमारा पहले तजर्बा है, 26 जनवरी को एंटी सोशल एलिमेंट हमारी परेड को खराब किया, तो उससे हमने लेसन लिया कि ऐसा नहीं। जो लोग किसानों की बात नहीं करना चाहते, किसानों को आंदोलन को खराब करते हैं, वो बीच में मत जाए। बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला है कि पार्लियामेंट का घराव करेंगे, पार्लियामेंट में ऐसा करेंगे, देयर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ दिस। तो कुल मिलाकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इजाजत मिली है प्रदर्शन की। शर्तों के साथ किसानों को यह प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता रहे, इसकी बात भी बार बार कही है। किसान संसद का घेराव नहीं करेंगे, जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे और किसी बाहरी को किसान संसद में जगह नहीं मिलेगी। पहचान पत्र भी उनका होगा, जिसके हिसाब से ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन पर कृषि राज्य मंत्री कौशल किशोर का क्या कहना है, जरा सुनिए। लोकतंत्र है, किसी को भी अपना बात रखने का पूरा अधिकार है और हमारी सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की बात सुनती भी है। रही किसानों के संबंध में जो भी बातें होंगी वो अपना करेंगे, जैसा होगा वार्ता करेंगे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं और चंदन जजवाड़े सिंघू बॉर्डर दिल्ली से ही, वो भी हमारे साथ हैं। दीपक रावत गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं। दीपक बिष्ट अक्षरधाम दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा गाजीपुर बॉर्डर चल लेते हैं, दीपक रावत वहां पर मौजूद हैं। दीपक, किस तरीके की स्थितियां देख रहे हैं आप? बॉर्डर पर राकेश टिकैत हैं, जो कि यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे किसान आंदोलन का। और यहां की बात करें तो यहां से जो राकेश टिकैत हैं वो करीबन 6 से 7 लोगों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे, क्योंकि तमाम किसानों ने ही कहा था कि पहले सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान नेता जो हैं वो जमा होंगे और वहां से बसों के जरिए तमाम जो किसान हैं वो। दीपक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जरा देखिए किस तरीके के हालात हैं फिलहाल। दीपक, अगर आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताइए क्या हाल है। हाँ हाँ, मिल रही है। हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए। दीपक रावत, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से राकेश टिकैत जो हैं वो करीबन 7 से 8 किसानों के साथ यहाँ से सिंघू बॉर्डर निकल चुके हैं और सिंघू बॉर्डर से ही तमाम किसानों को बसों के जरिए पहुंचना है जंतर मंतर तक, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम किसान नेता जमा हुए थे, राकेश टिकैत से भी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये पहले ही कहा था कि हम तमाम जो लोग हैं जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक हम वहाँ पर अपनी जो किसान संसद है वो चलाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग जमा है, हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई
बनाई हुई है। साफ तौर पर यह कहा है कि करीबन 7 से 8 लोग जिस तरीके से यहां से निकले हैं वो भी पुलिस के साथ ही गए हैं, और वहां से ज्यादा लोग ना निकले, जो निर्धारित संख्या तय की गई है जिनके कार्ड बनाए गए हैं सिर्फ वही लोग जो हैं वो जंतर मंतर तक जाएंगे। लेकिन तैयारी आप देखिए कि सामने ये दिल्ली का बॉर्डर है और तमाम जो तैयारी जो दिल्ली पुलिस की आमतौर पर यहां पर रहती है उसी तरह की तैयारी आपको दिख रही है। उसके पीछे पुलिस का बल है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है, और यहीं से आगे जो है वो तमाम बॉर्डर जो है सील कर दिया गया है। हालांकि चौकसी कल से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ किसान यहां पर जमा जरूर हैं, और ये कोशिश है कि मैसेज पहुंचाने की कि जिस तरीके से संसद सत्र चल रहा है उस दौरान सरकार अपनी मांगे पहुंचाना चाहते हैं। और राकेश टिकैत जब यहां से निकले थे तो उन्होंने ये कहा कि हम हंगामा नहीं करना चाह रहे, हमने परमिशन मांगी थी, हमें परमिशन दी गई है। ठीक है, दीपक आप रहिए साथ, मैं आपको रुक करूंगी। किसानों के मूवमेंट के लिए एहतियातन दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है, क्योंकि लाल किले की हिंसा सबने देखी। हालांकि किसान नेता ये भरोसा दे रहे हैं कि किसी बाहरी को प्रदर्शन में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए एहतियात के तौर पर लाल किले समेत सेंट्रल दिल्ली के सभी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर के पास, और यहां पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस किसानों के प्रदर्शन को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। 26 जनवरी में जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली में कूच किया था और उसके बाद हिंसा हुई थी, वो स्थिति दोबारा ना हो इसके वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहां ये देखिए, ये जो सड़क है, ये सड़क जो है वो सीधे सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रही है, और यहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहली बैरिकेडिंग की गई है, इसके बाद कोई भी गाड़ी जो है खास अंदर केवल जिनका घर सिंघू बॉर्डर में है वही गाड़ियां जो हैं वो लेकर जा सकते हैं, चाहे वही वापसी आ सकते हैं इस रास्ते पर, इसके अलावा और कोई नहीं। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी सड़क पर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो इसके अलावा एक और बैरिकेडिंग मिलेगी, उसके बाद फिर 500 मीटर पर एक बैरिकेडिंग मिलेगी, उसके बाद वापस 50 मीटर पर एक बैरिकेडिंग मिलेगी। यानी यहां से इस सड़क से लेकर जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर चार बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने कर रखा है, और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार नजरें बनाए हुए हैं इस पूरी स्थिति पर। नाल रोड है जो सीधे दिल्ली हरियाणा को जोड़ती है, इस सड़क को भी अगर हम देखें तो इस सड़क पे हर तरफ जो है दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान इस सड़क पर यहां पर बने हुए हैं ताकि जो स्थिति 26 जनवरी के दिन, बीते 26 जनवरी के समय हमने देखा था जिस तरीके से लाल किला से तस्वीरें आई थी, वो तस्वीरें दोबारा ना हो, उस चीज को किसान दोबारा दोहरा ना पाए। केवल 200 किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, दिल्ली सरकार ने ये इजाजत दी है। दीपक विश भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या हालात देख रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त अक्षरधाम के पास हूँ और नेशनल हाईवे 9 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम की स्थिति, काफी देर से यहाँ पर जाम की स्थिति थी क्योंकि बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए थे, और उसके बाद यहाँ से जो भी वाहन गुजरता था उस पर दिल्ली पुलिस की पैनी निगाह थी, क्योंकि कोई किसान किसी वाहन के अंदर समावेश करके अंदर से होते हुए ना चले जाए चुपके चुपके, और इसको लेकर यहाँ पर एहतियातन इंतजाम थे। अभी बैरिकेड को यहाँ पर खोला गया है ताकि जो पीछे लगा हुआ जो जाम है वो जल्द से जल्द निकाला जा सके, क्योंकि दफ्तर जाने वालों का जो समय था वो ठीक इसी वक्त था, और यही वजह है कि जाम में सैकड़ों की तादाद में वाहनों की आवाजाही जो है वो थम गई थी। और यहाँ पर अभी भी हालात कमोबेश वही है, क्योंकि अगर किसान यहाँ पर कोई मूवमेंट दिखाते हैं तो दिल्ली पुलिस ने, आप तो देख सकते हैं, वज्र वाहन यहाँ पर हैं, और साथ ही जो बसें वो लगाई गई हैं, अगर कोई यहाँ से निकलता है तो उसे उन बसों में रखा जाएगा, और साथ ही पुलिस अधिकारी लगातार यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे किसी तरह का, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह के हालात थे उसके बाद दिल्ली पुलिस अब कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती, और यही वजह है कि आज सुबह से मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर तक लंबा जाम इस रूट पर है, क्योंकि जो वाहन थे उनको बैरिकेड को पार करके गुजरना पड़ रहा था, और यही वजह थी कि लोगों को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि पुलिस को कोई जोखिम नहीं लेना था, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे अलग अलग रूट पर। और यहाँ पर जो हालात हैं अभी भी आप देख सकते हैं पीछे तक जाम है, क्योंकि सुबह जो वाहन है वो निकलते हैं अपने दफ्तरों को, अपने कामकाज के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन आज सभी लोगों को इस जाम का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए हालात अभी भी उसी तरह के बने हुए हैं क्योंकि पीछे तक जाम है, पुलिस कोशिश कर रही है कि बैरिकेड खोलने के बाद लोगों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ठीक आप रही जरा साथ। देखिए सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, क्या है ये पूरे इंतजाम आपको दिखाते हैं।
फिलहाल हम सिंघू बॉर्डर के करीब हैं। यहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। करीब 200 की संख्या में किसान यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, किसान जो है कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर जाना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा में उनको यहां से लेकर के जाएगी। इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंदर दूर जो है यहां से मंच है, दफ्तर है किसानों के आंदोलन का, जहां पर मीटिंग चल रही है वहीं से किसानों को दिल्ली पुलिस बसों में लेकर जंतर मंतर की तरफ जाएगी। लेकिन किसी भी मीडियाकर्मी को अंदर अलाउ नहीं किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि किसान पूरे अनुशासन के साथ बसों में बैठ करके यहाँ से रवाना हों, पुलिस अपनी सुरक्षा में उनको लेकर के जाएगी ताकि किसी तरह की भगदड़ ना हो, कोई मिस ना हो। पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरह का उत्पात सड़कों पर हुआ था, सिंघू बॉर्डर से किसान निकले थे और सब अलग अलग रास्ते भी निकल गए थे, जिसके बाद पुलिस की भी काफ़ी किरकिरी हुई थी, सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी है, मीडिया तक कोई एंट्री नहीं दी गई है। यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है CISF या बाकी पैरामिलिट्री के, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को समय से यहाँ से रवाना किया जाए, क्योंकि ये सांकेतिक प्रदर्शन होगा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के करीब ही राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर है जो कि आंदोलन की जगह है, प्रदर्शन की जगह है, और वहाँ से किसान अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। कई महीनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, एक बार फिर से वो जंतर मंतर जाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए पहुँच रहे हैं। चंदन हमारे साथ मौजूद है, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त है। चंदन, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि करीब 200 लोगों को इजाजत दी गई है, बसों में भरकर अब निकलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है, जितने की परमिशन दी गई है उतने लोग ही निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सबको आई कार्ड दिया गया है, उसमें नंबरिंग की गई है ताकि एक भी एक्स्ट्रा व्यक्ति ना जाए, जिनकी पहचान हो पाए, केवल आइडेंटिफाइड किसान ही यहाँ से निकले। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ CISF की तैनाती की गई है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं या दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पीछे हम देख सकते हैं सामने की तरफ, बिल्कुल यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है मंच है, जहाँ से किसानों को बसों पर लाया जाएगा। अभी तक वो बाहर नहीं निकले, हालाँकि हमने देखा कि 1-2 बसों में सुरक्षाकर्मी ज़रूर बाहर निकले हैं, जो ऐसा लगता है कि पायलट करेंगे किसानों को, वो आगे से जाएंगे और पीछे से किसानों की बसें जाएंगी। एक बात तय है कि किसानों को जिस तरह के सिक्योरिटी में ले जा रही है दिल्ली पुलिस, तो इस बार किसी तरह के चूक की आशंका नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हुआ था, उस हंगामे से बचने के लिए दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है कि पूरी एहतियात रखी जाए। किसान चाहते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध उन लोगों ने किया था, तो यूपी और पंजाब के चुनाव को करके वो एक तरह से राजनीतिक भी अपना चाहते हैं कि अपना दांव खेलें। चुनाव चूंकि करीब है दोनों राज्यों के, सबसे बड़ा मसला ये कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जंतर मंतर आंदोलन की पुरानी जगह है, वहाँ से पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का पुरानी वहाँ की परंपरा रही, इसलिए किसान जंतर मंतर जाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी में दिल्ली पुलिस उनको यहाँ से अपनी सुरक्षा में लेकर जाएगी ताकि किसी तरह की भगदड़ ना हो, किसी तरह का हंगामा ना हो। ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, किसानों के आज के कार्यक्रम को देखते हुए अक्षरधाम के पास दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, जहां गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं, जिसकी वजह से गाजीपुर से दिल्ली को जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। किसानों की मूवमेंट्स को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन बैरिकेड्स लगा दिए। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 9 पर हैं और इस वक्त अक्षरधाम के पास आपको दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी दिखाई देगी, क्योंकि आज से किसानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और इसको लेकर कोई किसानों का जत्था ज़्यादा संख्या में ना पहुंचे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने यहां पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। साथ ही बड़ी बड़ी यहां पर क्रेन आपको दिखाई देगी, साथ ही बैरिकेड्स यहां पर रखे गए हैं ताकि किसी भी वक्त अगर मूवमेंट ज़्यादा होती है किसानों की तो इस रास्ते को बंद किया जा सकेगा। अगर संख्या ज़्यादा होगी तो किसानों को ले जाने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त बसों को रखा गया है, वज्र वाहन यहाँ पर 2 हैं और साथ ही जो टीयर गैस के सिपाही हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह के हालात अगर यहाँ पर बिगड़ते हैं, किसान की मूवमेंट यहाँ से दिल्ली की तरफ ज़्यादा होती है तो उसको रोकने के लिए ये इंतजाम है। लेकिन इसकी वजह से सुबह से यहाँ पर इस तरह के इंतजाम जो है देखने को मिल तो रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से लंबा जाम लग चुका है। अमित भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी सिंघू बॉर्डर पर हैं। अमित, वहां पर भी क्या निकलने का सिलसिला किसानों का शुरू हो गया है और उसको देखते हुए क्या इंतजाम खास तौर पर देख रहे हैं आप? Thank you.
देखिए अर्पिता, इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सबसे पहली अपडेट की जो बसें लेकर किसानों को जंतर मंतर जाएगी वो बसें इस वक्त अंदर दाखिल हो चुकी हैं। यहाँ से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पे वो बसें खड़ी हैं और अंदर जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। मैं एक बार बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से यहाँ जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से 4 बैरिकेटिंग लगाई गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार इस तरीके से जायजा ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बसें कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली हैं और इसीलिए सबको अलर्ट किया जा रहा है। जो पायलट गाड़ी जो आगे चलेगी किसानों के साथ, वो जिप्सी भी यहाँ पर ला दी गई है। पूरी तरीके से अलर्ट मूड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आप एक और तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो लाइन से इस सड़क पर खड़े हैं, क्योंकि जो चूक 26 जनवरी के समय हो चुकी है वो चूक दोबारा दोहराना नहीं चाहती है दिल्ली पुलिस। और देखिए किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के जवान अलर्ट है। अगर कोई बाइक चालक भी किसी और तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसे जो ये ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी है वो रोक रहे हैं। देखिए जैसे एक गाड़ी है यहाँ पर, ये गाड़ी जो है अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं और चाहे ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो सीधा बोल रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप किसी और रास्ता को लीजिए, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर इनको रोका जा रहा है, कोई भी गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस बार दिल्ली पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हमने हिंसा देखी थी दिल्ली में, उस हिंसा को दोबारा दोहराना नहीं चाहती है दिल्ली पुलिस। और इसी वजह से जिन किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जाना है उन्हें आई कार्ड दिया गया। आई कार्ड भी हो सके कि अंदर भी एक बार चेक किया जाएगा, एक बार बाहर भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। और यहाँ पर बकायदे जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस तरीके से एसीपी और एडिशनल डीसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया हर बैरिकेटिंग पर। इसके अलावा मैं आपको एक और रास्ता दिखाऊं कि ये जो करनाल रोड है ये सीधे दिल्ली की तरफ जा रही है। इस सड़क पर भी आगे कई बैरिकेटिंग लगाई गई है जहां पर जबरदस्त जाम है। और किसान आंदोलन को देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अलर्ट है, इसके वजह से खासतौर से ये करनाल रोड पर अक्षरधाम पर जंतर मंतर जाने वाले रास्ते पर वहां पर बहुत जबरदस्त जाम है इस वक्त। दिल्ली वासियों को काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का दलील है कि जिस तरीके से हिंसा हुई थी 26 जनवरी में, वो हिंसा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिल्ली में दोहराई ना जाए, इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर ठीक है। अमित रहिए जरा आप साथ, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वही देखिए किसानों के प्रदर्शन पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर का क्या कहना है वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। केंद्र की माननीय मोदी जी सरकार ने पहले भी ये कहा था कि आप कोविड का काल है, सीमित संख्या में आप अपने विषय को रख सकते हैं, और जंतर मंतर आने के लिए पहले भी मना नहीं किया गया था। जो आग्रह आज किया गया है किसानों से, जिस पर किसान सहमत हुए हैं, हम पहले भी सरकार तैयार थी। और धरना करना, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक तरीके से करना, ये तो किसी का भी अधिकार है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बात को संजीदा से रखिए, अपने विषय को रखिए। लेकिन जिस प्रकार पिछली बार लाल किले का दृश्य जो देखा गया था, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। किसानों के आज के कार्यक्रम को देखते हुए संसद भवन के नजदीक के सभी मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इनमें जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन शामिल है। इन जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मेट्रो को भी प्रदर्शनकारियों पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इन स्टेशन को किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। आज की इनकी कॉल के मद्देनजर यहाँ टीकरी बॉर्डर पे प्रिवेंटिव अरेंजमेंट लगाया गया है। आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, ये प्रिवेंटिव अरेंजमेंट इसीलिए लगाया गया है कि कोई मिस्क्रिएंट यहाँ से अंदर एंटर करने की या फिर किसी और सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करे। कॉल जो थी और जो भी अभी तक परमिशन मिली है वो सिंघू से सिर्फ मूवमेंट की मिली है। यहाँ टीकरी की साइड से कोई मूवमेंट की परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए ये मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट यहाँ लगा है कि यहाँ से किसी भी तरीके की मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा। इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। वहां उमर गांव के पास समंदर में कोस्ट गार्ड की एक टीम ने एमवी कंचन नाम के एक डूबते जहाज पर सवार 12 लोगों को रेस्क्यू किया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रात के अंधेरे में कोस्ट गार्ड के जवान जहाज पर सवार लोगों को सुरक्षित निकालते दिखाई दिए। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से जहाज समंदर में डूबने लगा था। तो बड़ी खबर यही कि उमरगांव के पास समंदर में कोस्ट गार्ड की एक टीम ने एमवी कंचन नाम के एक डूबते जहाज पर सवार 12 लोगों का रेस्क्यू किया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रात के अंधेरे में कोस्ट गार्ड के जवान जहाज पर सवार जो लोग थे उनको सुरक्षित
निकालते दिखाई दिए। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से जहाज समंदर में डूबने लगा था। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों की सूरत बिगड़ गई है। परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आपके सामने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से जुड़ी चार तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भिवंडी की, जहां भारी बारिश की वजह से एक गांव में कमर से ऊपर तक पानी भर गया, कई लोग वहां फंस गए जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। दूसरी तस्वीर नासिक की, और वहां भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया जिससे कई ट्रेनें ठप पड़ गईं। तीसरी तस्वीर रायगढ़ की, जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। चौथी तस्वीर सतारा की, जहां डैम से पानी छोड़ा गया जिसे लेकर कई गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। मुंबई के नजदीक भिवंडी इलाके में मौजूद गणेश नगर नाम का एक गांव पानी में डूब गया। गांव में रहने वाले करीब 20 लोग वहां फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए ठाणे से एनडीआरएफ और टीडीआरएफ के जवानों को भेजा गया। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। भिवंडी के कुछ दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हालात जरा आप देखिए, थोड़ी सी बारिश और ये मुंबई की हालत, जहां पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भिवंडी महाराष्ट्र की आप तस्वीरें देखिए, पानी में पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है। वहीं जरा एक और तस्वीर भिवंडी की देखिए, भारी बारिश से पूरे इलाके में पानी भर चुका है और लोग जो है अब अपना घर अपना आशियाना छोड़कर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां रह पाना अब नामुमकिन सा हो गया है। लोगों के घरों में रखे सामान पानी में बह गए हैं, घर पूरा उजड़ गया है। और अब प्रशासन की तरफ से भी हमने ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गांव वालों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अभिषेक, आप समझिए पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है। तैयारियां क्या थी, थोड़ी सी बारिश में हालात ये बन गए? देखिए, पिछले तीन दिनों से लगातार मुंबई और आसपास के इलाके, जिसको कोंकण किनार पट्टी कहा जाता है, जिसमें 7 जिले आते हैं, इन 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ घंटों की बारिश में जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो गए हैं, चाहे वो भिवंडी की बात करें, सतारा की बात करें, नासिक की बात करें, जो ये पूरा बेल्ट है ये पूरा लगातार प्रभावित हो रहा है। कोल्हापुर की बात करें या सिंधुदुर्ग की, वहाँ पर भी हालात बहुत बद से बदतर हो गए हैं। स्थिति यह है कि एनडीआरएफ की टीमों को मूवमेंट कराया गया है अलग अलग स्थानों पर, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। इस समय में जो कम बारिश में भी जो वाटर लॉगिंग हो रहा है या जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत भयानक है। मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो इस समय समंदर अपने उफान पर है। करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें समंदर में उठ रही हैं, और ठीक इसी समय अगर मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो शहर का पानी है वो समंदर में जाएगा नहीं, और शहर के भीतर हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। जिस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, ये मरीन ड्राइव का इलाका है, अमूमन इस तरीके से बहुत कम होता है। जब 3 से 4 दिनों से लगातार मुंबई और आसपास का जो ज़िला है उन सारे ज़िलों को अलर्ट जोन पर रखा गया और अगले 2 दिनों तक अलर्ट है। हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि लोग काफ़ी मछुआरों को फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो, लेकिन हालात जिस तरीके के भिवंडी में दिखे हैं उसी तरीके के हालात अलग अलग स्थानों पर हैं। 2 जगह लैंडस्लाइड हुई है, कसारा घाट के पास लैंडस्लाइड हुई है जहां पर ट्रेनों को रोक दिया गया है, दूसरी लैंडस्लाइड हुई है वो पुणे और रायगढ़ के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुई है, वहां पर हाईवे पर फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है। ठीक, आप रहिए और नजर बनाए रखिए, एक बार फिर लौटूंगी मैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। जहां तक नजर आपकी जाएगी, अब जरा तस्वीरें देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है, पूरा इलाका किसी टापू की तरह दिखाई देने लगा है। सुबह काम पर निकले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ है और नदी कहाँ।
सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर लोग कमर तक भरे पानी में डूब कर चलने को मजबूर है। महाराष्ट्र के नासिक में भी मॉनसून के बादल जमकर बरसे हैं। वहां भी कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। नासिक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे रेलवे ट्रैक पर कोई नदी बह रही हो। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों को रोक दिया गया है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, वो कौन कौन से जिले, वो कौन कौन से इलाके जो सबसे ज्यादा इस बारिश के बाद प्रभावित हैं? देखिए, इस समय अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र है। उत्तर महाराष्ट्र में बात करें, नासिक इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है, साथ ही साथ कोंकण के इलाके जिसमें सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई सबाब, थाने, पालघर के इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ कोल्हापुर में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इलाका हो गया है। साथ ही सातारा में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और वहां पर भी कई रास्तों को रोक दिया गया है। लेकिन दो जगह लैंडस्लाइड की खबर आई है। एक आई है कसारा से, जहाँ पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। लंबी दूरी की सारी ट्रेनों को फिलहाल रोक दिया गया है, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से जो ट्रेनें आ रही थी या जो जा रही थी, उन सारे ट्रेनों को फिलहाल रोक दिया गया है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी हालात कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश की वजह से वहां भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर बारिश के पानी ने डेरा जमा लिया है। यही नहीं, कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वही महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कसारा की तस्वीर भी दिखा देते हैं। भारी बारिश हुई, जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी काफी नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर कि रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको रोका गया है, जब तक मलबा हटा ना लिया जाए। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की भी जरा तस्वीरें दिखाएं। वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है, हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश से वहां बहने वाली जो नदी है वो उफान पर है और उसका पानी कई गांवों को जोड़ने वाले एक पुल के ऊपर से बहने लगा है। आसपास इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हालात बिगड़ता देख पुणे में एनडीआरएफ की टीम को कोल्हापुर के लिए रवाना किया गया है। चीन के हेनान प्रांत में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। हेनान प्रांत में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि जहां तक अब आपकी नजर जा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। पूरा शहर किसी टापू की तरह दिखाई दे रहा है। लोग कमर तक पानी में डूब कर चलने को मजबूर दिखे। सड़कें, मकान, गाड़ियां, सब के सब पानी में डूबे दिखे। वहीं राहत और बचाव का काम भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बताया गया कि अब तक हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। तो ये तस्वीरें चीन की, यानी सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली, भारत की तस्वीरें नहीं, चीन की तस्वीर भी देख लीजिए। थोड़ी सी बारिश वहां पर भी आफत लेकर आती है। गाड़ियां आधी डूबी हुई से चलने को मजबूर और कई गांव जो है वो अब टापू से नजर आने लग गए हैं। कई गांवों में खतरा मंडरा रहा है डूबने का। तो ये तस्वीर चीन के हेनान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी सी बारिश किस तरीके से चीन को पानी पानी कर देती है, तस्वीरें बयां कर रही है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद गोरख धंधे के कई राज से अब धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि पॉर्न फिल्मों के कारोबार को चलाने के लिए राज कुंद्रा ने 3 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, 1, 2 नहीं 3। पहला ग्रुप HS अकाउंट था, जो हॉटशॉट्स ऐप से जुड़े कॉन्टेंट
सब्सक्राइबर पेमेंट और पॉन बिजनेस से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ था। दूसरा ग्रुप एचएस ऑपरेशन के नाम से था और इस ग्रुप में पॉन फिल्मों की शूटिंग, एक्टर कौन होगा, उनकी पेमेंट कैसे होगी और फिल्म तैयार होने के बाद केनरन कंपनी को कैसे भेजी जाएगी, इस पर काम होता था। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप एचएस टेक डाउन था और इस ग्रुप के जरिए पॉन फिल्मों की कॉपीराइट पायरेसी पर नजर रखने का काम भी होता था। हॉटशॉट्स ऐप पर जो अश्लील फिल्में अपलोड की गई हैं, वो किसी और पॉन वेबसाइट या पोर्टल पर ना हो, इस पर भी नजर रखी जाती थी। और अगर किसी दूसरी वेबसाइट ने हॉटशॉट्स ऐप की अश्लील फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर डाली तो उसे लीगल नोटिस भी भेजकर कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया जाता था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन राज कुंद्रा ही था। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर कि हॉटशॉट्स मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में डालकर कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए की कमाई करता था। न्यूज 18 के हाथ कुंद्रा के बैंक डिटेल्स लगे हैं जो ये बताते हैं कि हॉटशॉट्स पर अश्लील फिल्में दिखाकर कुंद्रा हर दिन 10 लाख रुपए कमाता था। मुंबई पुलिस के मुताबिक मेंटेनेंस के नाम पर लंदन बेस्ड कैनरन कंपनी से कुंद्रा के वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आते थे। इसके बाद कुछ फर्जी कंपनियों से पैसा घुमाकर आखिर में राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। खबर तो ये भी है कि पुलिस की टीम कुंद्रा के सभी बैंक अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में भी है और पूछताछ में कुंद्रा ने बताया कि फरवरी 2019 में उसने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और हॉटशॉट्स ऐप को डेवलप किया था। इस हॉटशॉट ऐप को उसने कैनरन नाम की कंपनी को $25,000 में बेचा था। लेकिन इस हॉटशॉट ऐप के मेंटेनेंस के लिए कैनरन कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी वियान ने टाइप किया था और इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट में होता था। Amazon Prime members के लिए बड़ी खुशखबरी है, पाइए शॉपिंग का मजा छोटे व्यापारियों के ऑफर्स के साथ, देखिए एक झलक। Amazon फिर लेकर आया है Prime Day, पाइए शॉपिंग का मजा छोटे व्यापारियों के ऑफर्स के साथ। खरीदिए अद्भुत प्रोडक्ट्स Amazon सहेली, कारीगर, लॉन्च पैड और लोकल शॉप से जो सवारेंगे आपको और आपके घर को और देंगे इन बिजनेसेस को एक नया मौका। साथ ही प्राइम मेंबर्स पाएंगे लाखों शानदार प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स। खरीदिए छोटे व्यापारियों के प्रोडक्ट्स 24 जुलाई मिडनाइट तक और पाए 10% का कैशबैक 150 रुपए तक अपने प्राइम डे की खरीदारी पर। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम।